नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम डॉक्टर लता अग्रवाल द्वारा लिखित लघु कथा सत्य की अग्नि परीक्षा का अध्ययन करेंगे। 2020-21 ईस्वी में SYBA के पाठ्यक्रम की पुनर्रचना की गई है। इस पुनर्रचित पाठ्यक्रम के अंतर्गत SYBA संकाय के लिए आधुनिक भाषा शिक्षण, यह एक प्रश्न पत्र नवीन रूप में स्वीकार किया गया है। इस आधुनिक भाषा शिक्षण के अंतर्गत डॉक्टर लता अग्रवाल जी की चार कहानियों का अध्ययन हमें करना है। इनमें से उनकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है या लघु कथा है, सत्य की अग्नि परीक्षा। डॉक्टर लता अग्रवाल एक बहुआयामी प्रतिभा की साहित्यकार है, जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केवल साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और शिक्षा और साहित्य पर उन्होंने अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित करवाई हैं। साहित्य के दृष्टिकोण से देखें तो काव्य, कहानी, उपन्यास, लघु कथा, बाल साहित्य, साक्षात्कार, आलोचना आदि अनेक साहित्य प्रकारों में उन्होंने अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से उनकी 16 से अधिक किताबें शिक्षा परक दृष्टि से लिखी गई है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में या विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी आ चुकी हैं। 26 नवंबर को महाराष्ट्र के सोलापुर में जन्मी डॉक्टर लता अग्रवाल आज के युग की एक श्रेष्ठ शिक्षातज्ञ मानी जाती है। उन्होंने MA अर्थशास्त्र एवं हिंदी विषय में किया है तथा MEd की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने आगे जाकर हिंदी विषय पर PhD की उपाधि प्राप्त की है। प्रारंभ में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर उन्होंने विभिन्न कार्यालयों के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन का काम किया है। बाद में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कहानियाँ या लघु कथाएँ, शोध आलेख प्रकाशित हुए हैं। आकाशवाणी या दूरदर्शन पर भी उनकी अनेक कविताओं का, लघु कथाओं का प्रसारण हुआ है। साथ ही विभिन्न साहित्यिक मंचों पर भी उन्होंने कहानियाँ एवं कविताएँ प्रस्तुत की हैं। आज भोपाल में एक निजी महाविद्यालय में वे प्राचार्य पद पर कार्यरत हैं। मैं बरगद, आंचल, सिसक्ति, दास्ता, हस्ताक्षर है पिता जैसे उनके कविता संग्रह बहुत लोकप्रिय रहे हैं। सिंदूर का सुख, सांझी बेटिया ये उनके कहानी संग्रह, मंगलमुखी ये उनका किन्नर जीवन पर आधारित उपन्यास, मूल्यहीनता का संतरास, गांधारी नहीं हूँ मैं, तितली फिर आएगी, लकी है हम, धीमा जहर, दहलीज का दर्द जैसी लघु कथाएँ संग्रह, आपका असर, आपका मुझे क्यों मारा, मेरा क्या कसूर जैसे बाल साहित्य परक किताबें, साक्षात्कार, समीक्षा ग्रंथ, इस तरह से व्यापक योगदान उन्होंने दिया है। उन्हें अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है, जिनमें साहित्य रत्न पुरस्कार श्रीमती सुशीला देवी या सुशीला देवी भार्गव सम्मान, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, कथाबिंब सम्मान, लघु कथा रत्न सम्मान, शब्द शिल्पी सम्मान, शब्दनिष्ठा सम्मान, ऐसे अनेक उत्कृष्ट एवं सर्वोच्च पुरस्कारों से उन्हें नवाजा जा चुका है। डॉक्टर लता अग्रवाल जी का लघु कथा लेखन में अत्यंत श्रेष्ठ योगदान रहा है।
उन्होंने अनेक लघु कथाओं के माध्यम से तत्कालीन जीवन के प्रश्न, तत्कालीन जीवन की समस्याएं तथा तत्कालीन जीवन की वास्तविकता को अंकित करते हुए उनके प्रति मौलिक संदेश देने का काम भी किया है। सत्य की अग्नि परीक्षा ये एक अत्यंत छोटी सी उनकी लघु कथा है। इस लघु कथा में लेखिका ने वर्तमान समय में समाज में व्याप्त राजनीति की दुर्दशा का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। विशेषतः धर्मराज, युधिष्ठिर और सत्य के संवादों के माध्यम से उन्होंने समाज और राजनीति के क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, स्वार्थी एवं अवसरवादी प्रवृत्तियां आदि पर प्रकाश डाला है। आज समाज और राजनीति में झूठ और स्वार्थ का बोलबाला बहुत अधिक बढ़ गया है। आज जीवन के हर क्षेत्र में स्वार्थी, अवसरवादी, भ्रष्टाचारी प्रवृत्तियों ने एक अलग स्थान बना लिया है। ऐसी परिस्थिति में आज सत्य का कोई महत्व नहीं रहा है। यहाँ तक कि आज झूठ या अवसरवादी स्वार्थी प्रवृत्तियाँ इतनी व्यापक मात्रा में बढ़ गई है कि झूठ जैसे अल्पसंख्यक हो गया है और जिसके कारण वह परेशान हो गया है। लेखिका ने ऐसी कल्पना की है कि मानो वर्तमान सभी प्रकार की परिस्थितियों से परेशान होकर या वर्तमान सभी प्रकार की स्थितियों से दुखी होकर ये सत्य जो है वह कहीं दूर जंगल में चला जाता है और एक झोपड़ी बनाकर उस झोपड़ी में रहने लगता है। अब उसकी ये स्थिति है कि उसने मानव समाज के भीतर अपने आप को स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया है, लेकिन उसका दुर्भाग्य ये है कि वह अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया। इन सब का परिणाम ये होता है कि ये झूठ परेशान हो जाता है क्योंकि उसे मानव समाज के भीतर कोई स्थान नहीं मिल पाता है और इसी कारण वह झूठ, रिश्वतखोरी, स्वार्थी प्रवृत्ति इन सब से परेशान होकर वह किसी दूर जंगल में जाकर एक छोटे से झोपड़े में अपना निवास, अपना गुजारा करने लगता है। इसका तात्पर्य ये है कि वर्तमान जीवन में चाहे राजनीति हो या धर्म हो या अन्य सभी प्रकार के क्षेत्र हो या कार्यालय व्यवस्था हो, सब में लेखिका यह बताना चाहती है कि झूठ का प्राबल्य बढ़ गया है। अवसरवादी, स्वार्थी राजनीति या रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार इनका महत्व काफी अधिक बढ़ा है और इन सब के सामने झूठ जो है वह सर्वाधिक बढ़ चुका है। ऐसी परिस्थिति में सत्य इनका सामना नहीं कर सकता या सत्य एक प्रकार से इनके आगे हार गया है और इसी हार के कारण वह जंगल में जाकर रहने लगा है। एक दिन सत्य के महान अधिष्ठाता महाराज युधिष्ठिर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उनकी मुलाकात एक झोपड़े के बाहर खड़े सत्य से होती है। अब युधिष्ठिर जी उसे उसके बारे में पूछते हैं, तब सत्य अपनी मजबूरी युधिष्ठिर को बताता है। वह कहता है कि आज सभी क्षेत्रों में, खास करके समाज और राजनीति के सभी क्षेत्रों में झूठ और स्वार्थ का प्रभाव इतना बढ़ लिया है या उन्होंने अपना आसन इस तरह से स्थिर कर लिया है कि उनके सामने सत्य टिक नहीं पाया और इसी कारण उसने सब कुछ छोड़कर वह इस जंगल में आकर रहने लगा है। अब यहाँ लेखिका ने वर्तमान राजनीति की जो डरावनी अवस्था है, जो दिखावटी अवस्था है, उसे अत्यंत मार्मिक शब्दों में अंकित किया है। लेखिका ये बतानी चाहती है कि आज राजनीति में असत्य या झूठ का इतना बहुत स्थान बढ़ गया है कि चारों ओर झूठ या असत्य ही हमें देखने को मिलता है। ऐसी परिस्थिति में उनका सामना या झूठ का सामना सत्य भी नहीं कर सकता क्योंकि झूठ ही सर्वाधिक मात्रा में शक्तिशाली बनता जा रहा है और इसी झूठ ने सत्य को मजबूर कर दिया कि वह सब कुछ छोड़कर किसी जंगल में जाकर रहे। तब युधिष्ठिर जी वन में भ्रमण करते हुए
वह सत्य से बातचीत करते हैं, वह झोपड़े के बाहर उदास बैठे सत्य से पूछताछ करते हैं, सत्य उन्हें अपनी असलियत बताता है और असलियत बताकर वह कहता है कि मैं सत्य हूँ लेकिन वर्तमान परिस्थिति के कारण मुझे मानव समाज में कहीं स्थान नहीं रहा और इसीलिए ये सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ चला आया हूँ या लोगों से बहुत दूर चला आया हूँ। तब युधिष्ठिर उसे समझाने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि युधिष्ठिर को ऐसा लगता है कि सत्य की असली जगह समाज में है, क्योंकि समाज का सुचारू रूप से संचालन होने के लिए, समाज को आगे विकास की अवस्था में ले जाने के लिए सत्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है और अगर सत्य इस तरह से जंगलों में जाकर रहने लगे तो समाज के भीतर झूठ का प्राबल्य बढ़ता जाएगा और झूठ जितना बढ़ेगा उतना ही समाज बिगड़ता जाएगा या नाश की ओर चला जाएगा। इसी कारण युधिष्ठिर सत्य को समझाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन सत्य बताता है कि यद्यपि मेरी हालत बहुत गंभीर है, क्योंकि युधिष्ठिर ने उनसे कहा था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो लोगों के दिल में रहना चाहिए, लोगों के मन में, लोगों के हृदय में तुम्हारा निवास होना चाहिए। तब सत्य युधिष्ठिर को बताता है कि महाराज मैं तो दिल में रहना चाहता हूँ लेकिन अब वहाँ झूठ ने अपना आसन जमा लिया है, अब लोगों के दिल में सत्य नहीं झूठ रहता है और झूठ के कारण लोग मुझसे नफरत करने लगे हैं, मुझसे घृणा करने लगे हैं, यहाँ तक कि अपने दिल में तो क्या अपने आसपास भी सत्य को स्थान नहीं देते या मुझे आसरा नहीं देते हैं। इसी कारण आज चारों ओर भ्रष्टाचार, 400 BC रिश्वतखोरी आदि के खतरनाक कॉस्मेटिक्स के लेप आ गए हैं जिनके प्रयोग से लोगों के चेहरे अत्यंत भयावह हो गए हैं और लोग अपना चेहरा देखना तक पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं सत्य हूँ, मैं उन्हें उनका असली चेहरा देखना दिखाता हूँ लेकिन लोग अपना असली चेहरा देखना नहीं चाहते या लोगों को अपना असली चेहरा देखने से डर लगता है। इसी कारण लोगों ने मुझे अपने आप से, अपने जीवन से अलग कर दिया है। फिर धर्मराज सत्य से कहते हैं कि तुम्हें सरकारी कार्यालयों में जाओ, वहाँ तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में अनेक जो गलत बातें चलती है उन सबको समाप्त करने के लिए या उन सबका नाश करके वहाँ पर अच्छी भावनाएं बढ़ाने के लिए, सत्य या ईमानदारी का महत्व बढ़ाने के लिए धर्मराज सत्य को सरकारी कार्यालयों में जाने के लिए कहते, क्योंकि उन्हें लगता है वहाँ सत्य की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन इस पर सत्य बताता है कि वह यहाँ भी गया था, वह सरकारी कार्यालयों में गया था लेकिन जहाँ भी उसे स्थान नहीं मिल पाया, क्योंकि वहाँ भी उसे एक पल में उठाकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया गया या उन्हें उसे अब वहाँ से निकाल दिया गया। मतलब सरकारी कार्यालय या सभी प्रकार के कार्यालयों में भी सत्य के लिए आज कोई स्थान नहीं रहा है, वहाँ भी सत्य अपने आप को अकेला पाता है, वहाँ भी उसका कोई साथी नहीं है या वहाँ भी उसे कोई प्रश्रय नहीं देता है। तब युधिष्ठिर सत्य को राजनीति में जाने के लिए कहते हैं और इस संबंध में युधिष्ठिर का मानना यह है कि राजनीति में सत्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि राजनीति में जो झूठ, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार या दिखावटी प्रवृत्ति आज निर्माण हुई है इन सबको खत्म करना जरूरी है और जनता पर एक अच्छे शासकों की नियुक्ति करनी जरूरी है और ये सब कुछ करना है तो वहाँ पर सत्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सत्य ही राजनीति को अच्छी बना सकता है। तब सत्य युधिष्ठिर को बताता है कि महाराज अब देश में राजनीति बची नहीं है, सत्य युधिष्ठिर को बताता है कि महाराज अब देश में राजनीति बची नहीं है, सर्वत्र कूटनीति का साम्राज्य पहुंच गया है। मतलब राजनीति का स्थान कूटनीति ने, पहले राजनेता थे, सच्चे राजनेता थे, अच्छी राजनीति करते थे, लोगों के कल्याण हेतु राजनीति करते थे लेकिन आज राजनीति राजनीति नहीं रह गई, वह कूटनीति बन गई है और इस कूटनीति के साम्राज्य के कारण चारों ओर हमेशा असत्य या झूठ फैल गया है, उन्हें सत्य से सख्त परहेज है और ऐसी परिस्थिति में मैं राजनीति के क्षेत्र में भी नहीं जा सकता।
अब सत्य की इन सभी बातों पर युधिष्ठिर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सत्य मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान स्थिति में हर जगह सत्य को नाकामी ही मिलती है, या हर जगह सत्य का अपमान होता है, सत्य को किसी प्रकार से भी मान सम्मान या स्थान नहीं मिल पाता है। इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि सत्य की पताका लेकर वे स्वर्ग तक गए थे, क्योंकि सत्य मानव जीवन में बहुत अधिक आवश्यक होने के कारण सत्य की पताका लेकर अर्थात सत्य का महत्व व्यक्त करते हुए या सत्य की महानता बताते हुए वे जो है वह स्वर्ग तक गए थे। लेकिन उनकी बात पर सत्य कहता है कि महाराज आपका युग अलग था, आपका युग द्वापर युग था, और उस द्वापर युग में ये सब कुछ संभव था, लेकिन आज दुर्भाग्य से कलयुग है और ऐसे कलयुग में सत्य की कोई कीमत नहीं है, आज किसी भी स्थान पर सत्य का कोई महत्व नहीं है। तब अंत में युधिष्ठिर सत्य को संचार विभाग में जाने के लिए कहते हैं। तब सत्य कहता है कि वह वहाँ भी गया था, संचार विभाग भी में भी उसने जाके देखा था, लेकिन वहाँ उसके लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, क्योंकि उसे या वह विज्ञापन शुल्क नहीं दे पाता है, क्योंकि संचार विभाग में आज विज्ञापनों का महत्व बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है, और इसलिए हर चीज का विज्ञापन करवाया जाता है, लेकिन ये सब विज्ञापन वगैरह करने के लिए सत्य के पास पैसे नहीं है, और सत्य के पास पैसे न होने के कारण वह अपना विज्ञापन नहीं कर पाता है, और बिना विज्ञापनों पे कोई भी चीज़ संचार माध्यमों में बिक नहीं सकती, संचार माध्यमों में दिखाई नहीं जा सकती। इसीलिए सत्य युधिष्ठिर से कहता है कि वह वहाँ भी नहीं जा सकता। इस प्रकार ये इस लघु कथा में सत्य और युधिष्ठिर इनके संवाद आए हैं। युधिष्ठिर सत्य को अचानक जंगल में देखकर आश्चर्यचकित होकर उसे अनेक क्षेत्रों में, जिसमें राजनीति, कार्यालय, संचार विभाग या अनेक क्षेत्रों में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वास्तव में सत्य पहले से ही इन सभी क्षेत्रों में जाकर आया है, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ उसकी दाल नहीं चल पाई है या उसकी खिचड़ी नहीं पक पाई है, उसे हर जगह अपमानित होकर या हर जगह उसे भगा दिया गया है, निकाल दिया गया है, क्योंकि आज सभी क्षेत्रों में एक दुर्दशा निर्माण हो गई है, सभी क्षेत्रों में स्वार्थी प्रवृत्ति, अवसरवाद, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, झूठ, इन सब का समावेश हो गया है, और इन सब का लेखक ने या लेखिका ने अत्यंत मार्मिक शब्दों में अंकन किया है। बिल्कुल छोटी सी कहानी में लेखिका ने एक व्यापक जीवन सत्य को अंकित किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में सत्य के स्थान पर किस प्रकार झूठ का प्राबल्य बढ़ रहा है या सत्य की जगह किस प्रकार झूठ लेता जा रहा है, इसका अत्यंत प्रभावी और मार्मिक अंकन इस लघु कथा में किया गया है। कुल मिलाकर इस लघु कथा में लेखिका सत्य का महत्व व्यक्त करती है, सत्य को हर क्षेत्र के लिए आवश्यक बताती है, लेकिन व्यंग्यात्मक पद्धति से युधिष्ठिर और सत्य के संवादों के माध्यम से लेखिका ने आज सभी क्षेत्रों में सत्य की जो मार्मिक परिस्थिति है या सत्य की जो वास्तविक स्थिति है, जिसे जिस प्रकार सत्य सबसे बाहर निकलता जा रहा है, इसको भी अत्यंत आकर्षक रूप से, अत्यंत मार्मिक रूप से इस कहानी में व्यक्त किया है। इस प्रकार की ये लघु कथा है। धन्यवाद।